अमिताभ बच्चन तापसी पन्नू की बदला ने जमाया रंग, पहले वीकेंड में कमाए इतने करोड़। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग स्किल का कुछ हिस्सा ही एक फिल्म को देते हैं और फिर बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा कारनामा होता है कि दर्शक वाहवाही करते हुए नहीं थकते। कुछ ऐसा ही फिल्म बदला में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का नमूना देखने को मिला है। अमिताभ बच्चन ने अपनी पुरानी फिल्म पिंक की जोड़ी तापसी पन्नू के साथ फिर नजर आ रहे हैं। दोनों ने बेहद ही कमाल की एक्टिंग की है। सस्पेंस और थ्रिलिंग फिल्म बदला को पहले वीकेंड पर जबरदस्त रिस्पांस मिला है। हालांकि इस फिल्म को माउथ पब्लिसिटी और अच्छे रिव्यू का फायदा मिला है। बदला फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया है कि वीकेंड के पहले दिन शुक्रवार को 5.04 करोड़, शनिवार को 8.55 करोड़ और रविवार को 9.61 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है। यानी पहले वीकेंड पर फिल्म ने धांसू कमाई करते हुए कुल 23.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 27.38 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। फिलहाल अभी पूरा हफ्ता बचा हुआ है। देखना ये होगा कि पूरे हफ्ते में कितना कलेक्शन करने में कामयाब हो पाती है। बदला के साथ हॉलीवुड फिल्म कैप्टन मार्वल भी रिलीज हुई है, लेकिन इससे अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म बदला पर कोई असर नहीं पड़ा। अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की जोड़ी ने पिछली फिल्म पिंक में पहले वीकेंड में 21.51 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो बदला फिल्म के वीकेंड कलेक्शन से कम है। वहीं साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 102 नॉट आउट ने पहले वीकेंड में 16.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। बदला फिल्म 8 मार्च इंटरनेशनल महिला दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।